नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से, भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे प्राचीन व समृद्ध है, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। ये विचार मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोहार रोड पर निर्माणाधीन अखंड भारत माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय माँ बगलामुखी यज्ञ में आहुति डालते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंत माई जी महाराज से मंदिर निर्माण पर विस्तार से चर्चा भी की। भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन एवं समृद्ध है। इसे बचाए रखना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी देश की तरक्की वहाँ की युवा शक्ति पर निर्भर करती है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होगा। भिवानी में बनने जा रहा अखंड भारत माता मंदिर युवाओं की राष्ट्रीयता की भावना विकसित करेगा, जो कि सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सोमवार को लोहारू रोड पर गांव देवसर के समीप बनने जा रहे अखंड भारत माता मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय माँ बगलामुखी यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति डालने के दौरान ये संदेश दे रहे थे। उन्होंने मंदिर के निर्माण में 21 लाख रुपए के योगदान की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने मंदिर स्थल पर जाकर मंदिर के बारे में महंत माई जी महाराज से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अखंड भारत माता मंदिर के यज्ञ में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भिवानी में बनने वाला अखंड भारत माता मंदिर बड़ा ही व्यापक क्षेत्र होगा। इससे न केवल जिला भिवानी या हरियाणा के लोगों की भावना जुड़ेगी, बल्कि देश भर और प्राचीन अखंड भारत के लोग इस भव्य मंदिर के साथ जुड़ेंगे। लगातार वर्षों से काम कर रहा हूं। आज ये खुशी का अवसर है कि भिवानी के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ एकत्र हुए हैं। पिछले वर्ष स्वामी जी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा अखंड भारत माता मंदिर का निरंतर आता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये विषय एक ऐसा विषय है कि नई पीढ़ी के लिए मन में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए जो संस्थान है, इसका अपना एक महत्व होगा। हम देवी देवताओं के, भगवान के मंदिर तो सब जगह देखते हैं, सब जगह बनते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद भी मिलता है। वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। हम अपने जीवन यापन को एक शुद्धता की ओर आगे बढ़ाते हैं उसमें से। लेकिन राष्ट्रीय भाव मन में लाने के लिए हमारा देश जो कभी बहुत बड़ा इसका स्वरूप था, अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, तो ये बर्मा से लेकर के और इधर अफगानिस्तान तक पूरा भारतवर्ष आज जिसके 6-7 देश बन गए, तो ये अखंड भारत की जो कल्पना है ये बहुत बड़ी कल्पना है। भारत को हम माँ मानते हैं, तो माता का मंदिर ये हमारे मन में देश प्रेम की जो भावना जगाता है, उससे हमको आगे चल करके अपनी नई पीढ़ी को ये सारा संदेश देना है, जिसके लिए ये भारत माता की मंदिर की कल्पना की गई। स्वामी जी का भी सानिध्य मिलेगा हमें, आने वाले इंद्रेश जी का सानिध्य मिलता है। हम इनके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ये जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये जो एक विषय मंदिर के रूप में आगे बढ़ने वाला है, इसमें न केवल भिवानी के लोग बल्कि पूरे देश भर के लोग जो भी यहाँ आएंगे, जिनको पता लगेगा कि छोटी काशी में अखंड भारत माता का मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो इस प्रकार के विषयों पर अपनी श्रद्धा रखता है। हमने देखा कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने सबसे पहले हरिद्वार में भारत माता मंदिर का एक जो निर्माण कराया था, उसके प्रति बहुत श्रद्धालु होती है। मैंने भी एक बार वहां जाकर के कहा था कि हरियाणा में भारत माता मंदिर बनाएंगे, तो मुझे उस बात की प्रसन्नता है कि इस भारत माता मंदिर के लिए हम सब अखंड भारत माता मंदिर, इसका भूमि पूजन शिलान्यास हरियाणा में भिवानी में प्रथम रूप में हुआ है। भारत की कभी सीमाएं महाभारत काल में एक और अफगानिस्तान इत्यादि थे,
दूसरी ओर म्यांमार समुद्र जावा सुमात्रा थे, तीसरी ओर तिब्बत था, चौथी ओर हिंद महासागर था। रियासतें या छोटे छोटे राज्य तो 1400 से अधिक थे, परंतु यह सब एक भारत के रूप में कहलाता था। वो भारत पुनः प्रतिष्ठित हो, इसलिए देश रहेंगे, राज्य रहेंगे, सीमाएं रहेंगी, उनकी अपने अपने विशेषताएं रहेंगी, स्वातंत्र रहेगा, पर एक दूसरे पर आक्रांता बनकर नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब मिलकर विकसित होंगे, एक महान भारत बनाएंगे। इस प्रकार की कल्पना लेकर देश का अध्यात्म, देश की वीरता, देश के साधु संत महात्मा, धार्मिकता और देश के सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का अद्वितीय 9 मंजिला यह मंदिर होगा। इसका भूतल जो है पाताल लोक के रूप में होगा और ऊपर का तल जो है वो आकाश तल के रूप में होगा। बीच में 7 तल तरह तरह के ज्ञान और विज्ञान से भरपूर होंगे। कोविड ने भी बता दिया है, भारत ही एक ऐसा संस्कृति है, देश है और समाज है जो सर्वसमावेशी है, सब धर्मों का सम्मान करती है और प्रत्येक को अपने अपने पर धर्म पर चलने की प्रेरणा देती है। अपने पर चलो, दूसरों का आलोचना ना करो बल्कि सम्मान करो, तो विश्व हिंसा मुक्त, दंगा मुक्त, आतंक मुक्त होकर तेज गति से शिक्षित होकर विकास की ओर बढ़ेगा। ऐसी जातियों में छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, मजहबों में धर्मों में टकराव और हिंसा ना हो, सीमाओं पर गोलाबारी ना हो, घुसपैठ ना हो, अंदर आतंक माओवाद जैसी हिंसाएं और दंगे ना हो, नारी का शोषण नहीं, नारी का सम्मान हो, और इसी के साथ साथ प्रदूषण वाला नहीं, पर्यावरण वाला भारत बने और विश्व बनाए, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसको प्यार सम्मान और सहयोग करके उसके जीवन में भी रोशनी, खुशबू, खूबसूरती और समृद्धि आए। आज अखंड भारत माता निर्माण स्थल पर चल रहे माँ बलामुखी यज्ञ के 7वें दिवस पर प्रदेश हरियाणा के माननीय निष्ठावान सरल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आकर प्रदेश की खुशहाली के लिए आज उन्होंने आहुति डाली है और प्रदेश माँ भगवती कामाख्या जगदम्बा पीताम्बरा से कामना की है कि मेरे प्रदेश में सुख शांति और यश और कीर्ति फैले। और इस मौके पर हमारे भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमान भाई साहब इंद्रे जी भी आए और मैं भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ही जल्दी ये छोटी काशी जो है पूर्ण काशी की ओर अग्रसर है। जल्दी ही मंदिर का कार्य जो शुरू हो रहा है, अभी 4 दिवाली का काम चल रहा है और आगे कार्य चलता रहेगा और समाज से जनता से सबसे मेरा आह्वान है इसमें सहयोग करें और अपने आप को कृतार्थ करें। सीएम साहब ने जो है आज जो 21 लाख रुपये की घोषणा की है, क्योंकि जो मार्च का महीना है, लास्ट बजट का स्तर का जो है बजट का समय चल रहा है, उन्होंने कहा है कि निरंतर जो है ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि छोटी काशी में अखंड भारत माता का मंदिर जो बन रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जो है पहले घोषणा कर चुके थे भारत माता मंदिर की और आज ये अखंड भारत माता का जो भिवानी बन रहा है इसके लिए जो है उन्होंने बहुत खुशी हुई है और बहुत शुभकामना दी है। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल व बस यात्री टैक्स को सरकार पूर्ण रूप से करे माफ, यह कहना है प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामतार शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि नियम 134A के तहत निजी स्कूलों को रीइंबर्समेंट के एवज में सरकार के द्वारा 200 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूरी संख्या के साथ खोलने के आदेश दे दिए गए थे। स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां भी सामान्य हो गई हैं। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों के बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और स्कूल बसों के पैसेंजर टैक्स को माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति बना ली है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर 31 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ये बात भिवानी के विधायक ने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने न केवल बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और पैसेंजर टैक्स को माफ करने की बात कही है, बल्कि 9वीं से 12वीं तक के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा शिक्षा नियमावली 134A के तहत फीस भी निर्धारित करने का निर्णय लिया। ये फीस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की एवज में सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल्स को दी जाती है। इस फीस में 200 रुपये बढ़ोतरी करने की बात पर भी सहमति बनी। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भिवानी में एक दिन के प्रवास के बाद प्राइवेट स्कूल की समस्याओं को समझते हुए अपनी सहमति जताई है। इस संबंध में अधिकारियों से मिलकर इसे 31 मार्च तक अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 134 के बच्चे हैं उनका 200 रुपये बढ़ाने का काम, और कल जो डिमांड थी उस पर जो मोटर का टैक्स लगता है स्कूलों पर, उसको ख़त्म करने की बात 31 मार्च तक, और हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी इनका बनता है उसको भी कम करने की बात कही, और बिजली के बिलों को माफ़ करने के लिए इन्होंने बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुलाया है इस काम के लिए। मैं इनके साथ एक आदमी को ले जाकर इनकी जो भी सेवाओं में कमी रही है या जिस फील्ड में इनको जाना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मोटर टैक्स की बात हो, तो इन सब को माफ़ करवाने का काम मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल बहुत सोफिस्टिकेटेड टीचिंग की लाइन में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल नहीं आते उनकी परीक्षाएं कराना बहुत टेढ़ा काम होता है, लेकिन फिर भी ये उन बच्चों की तैयारी कुछ घंटों में या कुछ दिन में करवा के उन बच्चों की परीक्षाएं दिलवाना और समय समय पर उनके घरवालों से संपर्क में रहना, ये सभी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स काम कर रहे हैं, और जो अभिभावक हैं वो भी इस बात को लेकर संतुष्ट है। कोरोना का पीरियड गया, उसमें एक दिन भी स्कूल नहीं खुला, शूटिंग रहेगी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कल भिवानी के रेस्ट हाउस में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, और हमारा पक्ष हमने जो रखा था, जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे हमारा बसों का पैसेंजर टैक्स है, वो पिछले दिनों से हम डिमांड करते आ रहे हैं कि बसों के पैसेंजर टैक्स को हटाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स को भी ख़त्म किया जाए, और 134 में 9 से +2 के जो बच्चों का पैसा निर्धारित नहीं हुआ अभी तक 6 साल से, वो पैसा भी निर्धारित करके इन स्कूलों को दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी का जो जवाब था वो बड़ा सकारात्मक जवाब था। मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे इन प्राइवेट स्कूलों की जो भी समस्या है उनका समाधान हो, तो उन्होंने आदरणीय विधायक जी को हमारे सामने ही विधायक जी की ड्यूटी लगाई कि प्राइवेट स्कूलों की जो भी समस्याएं इनको आप एक उस पर तैयार करके और आप मेरे पास इनको स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को लेकर आ जाए, तो मिल बैठ के अधिकारियों से बैठ के उन समस्याओं का समाधान करने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री सर कब तक आम सहमति बन करके इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है? ये मार्च तक का उन्होंने कहा है, 31 मार्च से पहले प्राइवेट स्कूलों की जो भी समस्याएं हैं वो बैठ करके, नया सेशन हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि सेशन के बाद हम बच्चों का, हम चाहते हैं कि जो कोरोना में बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो पढ़ाई का नुकसान उसकी भरपाई हम अगले सेशन में कर पाएं, तो आगे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, तो 31 मार्च तक हमने आग्रह किया कि इन समस्याओं का समाधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने का वो करेंगे, और विधायक जी भी पूरी तरह से उन्होंने, विधायक जी ने भी हमारा सहयोग किया है, और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी कोई भी समस्या, आप अपने बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं, और हम भी जो मुख्यमंत्री जी का नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, उस नारे को कहीं ना कहीं सार्थक अगर करते तो प्राइवेट स्कूल करते। अब सरकार ने क्योंकि पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, और जितने भी स्कूल हैं हमने पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खुले थे, तो अपनी तरफ से हमने अपनी जितनी भी तैयारियां होती हैं वो कर रखी थी, और अब संख्या स्कूलों में आ रही है,
और धीरे धीरे क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें उम्मीद है जितने भी बच्चे घर से, क्योंकि अब तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परमिशन दे रखे हैं सरकार ने, तो कुछ बच्चे अभी भी हैं जो नहीं आ रहे हैं, जिनको टीकाकरण का कोई इशू है, जो लगवाना चाहता नहीं लगवाना चाहता, उस वजह से कुछ बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि परीक्षाओं से पहले हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास होगी और 1 अप्रैल से हम सेशन पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर पाएंगे। रविवार शाम को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान जारी रखते हुए एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आशा पूनिया के नेतृत्व में एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से भीम स्टेडियम तक सफाई को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय एक साप्ताहिक एनएसएस शिविर के तीसरे दिन 2 व्याख्यानों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विभाग के चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद मलिक ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने वॉलंटियर्स को शारीरिक तौर पर फिट रहने हेतु सही तरीके से कदम रखने और चलने के टिप्स दिए। इसके साथ साथ उन्होंने योगाभ्यास और शारीरिक क्रियाओं को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए भी प्रेरित किया। दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर चरखी दादरी से आयुर्वेद विभाग के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील जांगड़ा ने शिरकत की। उन्होंने संबोधन में कहा कि वर्तमान की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारे खान पान में बदलाव आ गया है और युवा पीढ़ी फास्ट फूड को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिसके चलते कई बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं। डॉक्टर मलिक ने एनएसएस वॉलंटियर्स को पोषण युक्त आहार के बारे में और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने से संबंधित टिप्स दिए। मैं सीमा बोमरा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से हम चौधरी बंसीलाल कॉलेज के साथ 7 दिन का कैंप लगा रहे हैं एनएसएस का, और इस एनएसएस में हमारे पूरे 200 वॉलंटियर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हम स्वच्छता पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रैली निकाल कर एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी से पशुधन मेले तक जाएगी। हाँ जी, मैं डॉक्टर मूलराज, और आज आप ये रैली देख रहे हैं एनएसएस वॉलंटियर की तरफ से, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स है। ये रैली जो है विश्वविद्यालय कैंपस से निकली है और भीम स्टेडियम से होते हुए पशुधन मेले तक जाएगी, और इस रैली के माध्यम से हम साथ साथ में प्रौढ़ शिक्षा अभियान पर भी तवज्जो देंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा, और भिवानी जिला को और दादरी जिला को जो है प्रौढ़ शिक्षा 100% प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत हम जो है। मैं डॉक्टर आशा पूनिया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर और एनएसएस ऑफिसर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हूँ। ये एक एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल का, जिसमें चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के विभिन्न महाविद्यालयों और यूटीडी के ये स्टूडेंट्स हैं। तो आज कैंप के तीसरे दिन हम इन्हें पशु मेले की सैर करवा रहे हैं, तो ये बच्चे स्वच्छता का वहाँ पे संदेश देते हुए जाएंगे और साथ में अवेयरनेस रैली भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कहाँ से शुरू करके कहाँ तक? ये सर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर भिवानी से इन्होंने शुरू की है, जो कि शिक्षा बोर्ड के सामने वाला परिसर है, और यहाँ से ये डॉक्टर मंजीत दलाल, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं एनएसएसपीओ हूँ, और हमने हमारा 7 दिवस जो कार्यक्रम चला हुआ है उसमें हमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जो है हमने ये रैली निकाली है उसमें जागरूकता फैलाने का हम कार्य कर रहे हैं। मैं सीमा बोमरा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से हम चौधरी बंसीलाल कॉलेज के साथ 7 दिन का कैंप लगा रहे हैं एनएसएस का, और इस एनएसएस में हमारे पूरे 200 वॉलंटियर जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हम स्वच्छता पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रैली निकाल कर एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी से पशुधन मेले तक जाएगी। और आज आप ये रैली देख रहे हैं एनएसएस वॉलंटियर की तरफ से, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स है। ये रैली जो है विश्वविद्यालय कैंपस से निकली है और भीम स्टेडियम से होते हुए पशुधन मेले तक जाएगी, और इस रैली के माध्यम से हम साथ साथ में प्रौढ़ शिक्षा अभियान पर भी तवज्जो देंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा, और भिवानी जिला को और दादरी जिला को जो है प्रौढ़ शिक्षा। लोहारू रोड पर स्थित द आर्यन स्कूल के द्वारा स्कूल परिसर में वार्षिक खेलकूद दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरपर्सन शोरान अग्रवाल, अनिल गोयल व राकेश गोयल ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं विद्यालय प्राचार्य लक्ष्मी तोमर ने अभिभावकों का अभिनंदन करते हुए बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने की नसीहत दी।
भिवानी नगर के लोहारू रोड स्थित सुप्रतिष्ठित विद्यालय द आर्यन स्कूल का वार्षिक खेल कूद दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरपर्सन श्री श्याम अग्रवाल, निर्देशक श्री अनिल गोयल और राकेश गोयल ने हरी झंडी दिखाकर किया। तत्पश्चात उन्होंने सभी खिलाड़ी छात्रों को संबोधित कर उनकी सराहना की और कामना की कि वे निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपने विद्यालय और देश का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी तोमर ने सभी अभिभावकगण का अभिनंदन करते हुए खिलाड़ी छात्रों को नसीहत दी कि खेल को जीतने या हारने की भावना से नहीं अपितु खेल की भावना से खेलना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए बच्चों का खेल प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है। खेलकूद दिवस में बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिताएं और माता पिता रिले रेस का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता ने दौड़ प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इन सब के बाद सभी विजेताओं को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत भी किया गया। A very warm and cheerful morning to everyone out there. It gives me immense pleasure to welcome you all to the very first annual sports meet of our school. Sports has power to change the world. Sports has power to inspire the world. Sports is all about life, emotion and passion. Children, before moving towards the beginning of the program, I would like to welcome our respected chairperson, Sri Shivaram Agrawalji, to our school. I would like to welcome all the directors with their spouses on this special event. We have a special guest of honor amongst us, Mrs. Anita Bhandari. मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के रोनित बॉक्सर ने दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। रोनित की इस उपलब्धि पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला पदाधिकारियों द्वारा जिला कार्यालय में उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी के छोरे ने अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब जीता। मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध भिवानी के रोनित बॉक्सर ने दिल्ली में हुई प्रतियोगिता में भिवानी का नाम रोशन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। विहिप के जिला मंत्री ने बताया कि युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए ताकि वो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। आज युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने देश को मजबूत करने में अपनी अहम शक्ति लगानी चाहिए। और 70 kg में मैंने फाइट की थी, दिल्ली में हुई थी, तो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल भी फाइट की, जिसमें मैंने फोर्थ राउंड में नॉकआउट करके मैंने ये मेरा ट्रॉफी हासिल किया, मेडल हासिल किया, मेरे देश का नाम रोशन किया, मेरे सभी बजरंगी भाइयों का नाम किया। मैंने जो यूपी का लड़का था उसके साथ मेरी फाइट थी और दार्जिलिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ अभी फिलहाल। दिल्ली में हुए इंटरनेशनल में कई देशों ने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें मैंने चैंपियन की ट्रॉफी हासिल की है और मेरा दार्जिलिंग में होने वाले इंटरनेशनल मैच में चयन हुआ है, जिसमें अपना बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि हमारे ये नगर अखाड़ा प्रमुख हैं, इन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपना दम दिखाया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद युवाओं को एक मैसेज देता है कि अपने देश का नाम देशभक्ति उनके अंदर भरता है और खेल में भी उनको प्रोत्साहन देता है, खिलाड़ियों को भी उसके लिए आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग करता है। बजरंग दल हर खिलाड़ियों के साथ है और एक संदेश देता है कि जो युवा है वो नशे से दूर रहकर खेल में अपना प्रतिभा दिखाए, उसके साथ हमेशा। हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट धीरज सैनी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने विधायक घनश्याम सर्राफ व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की उपस्थिति में मुख्यमंत्री का फूल माला व पगड़ी पहनाकर सम्मान। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।